Soil. Soil is made up of stones, sand, clay, dead plants and animal matter. Animal matter मतलब गाय और बकरी या भैंस, वो कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी एक जगह जमीन पर पड़ी रहती है. और स्टोन मतलब पत्थर, सैंड मतलब मिट्टी, क्ले सैंड मतलब सूखी मिट्टी और क्ले मतलब गीली मिट्टी. डेड प्लांट्स पेड़ पौधे, अगर टहनी कहीं गिर गई या फिर पत्ते, ये सारी चीजें. और एनिमल मैटर सारे मिला के, इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है? सॉइल. डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टोन, सैंड, क्ले एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर्स. अलग अलग टाइप की सॉइल के पास ये सारी चीजें अलग अलग मात्राओं में होती है. फॉर एग्जाम्पल, सॉइल टेकन फ्रॉम बीच एज हैज मोर सैंड देन क्ले. जैसे कि अगर बीच से क्ले लिया गया, बीच से सॉइल लिया गया, तो उसमें सूखी गीली मिट्टी की से ज्यादा सूखी मिट्टी होती है, दैट इज सैंड. गार्डन सॉइल इज रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर. जो हमारे गार्डन की मिट्टी होती है वो प्लांट और एनिमल मैटर में बहुत ही ज्यादा रिच, मतलब कि उसमें उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है. इट इज गुड फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए अच्छा भी है. Soil also contains air, which is essential for the root of plants to grow. Soil और भी essential मतलब जरूरी, important. Soil में और भी क्या चीजें जरूरी है जो roots और plants को बढ़ने में मदद करती है. बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो soil में जरूरी है, जो रूट्स एंड प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है. वी ऑल डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर अवर फूड. हमारे रोजमर्रा के खाने के लिए हम सॉइल पे ही डिपेंडेंट है. क्यों सॉइल पे डिपेंडेंट है? अगर हमारी सॉइल ही ज्यादा फर्टाइल हुई, फर्टाइल मतलब हिंदी में उसको फलद्रुप कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स और तो सारी चीजें अवेलेबल होती है, जिससे प्लांट बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रो करता है. दस मेजर शुड बी टेकन टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. जैसे मैंने कहा, फर्टिलिटी इज सॉइल की रिचनेस. सॉइल जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी, हमारा क्रॉप उतना ही बढ़िया ग्रो करेगा. This can be done by planting more trees and plants to prevent erosion of good quality soil. हम अच्छी fertile soil को कैसे retain कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे prevent कर सकते हैं, उसका कैसा ध्यान रख सकते हैं? By planting more and more trees, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाकर हम fertile soil को retain कर सकते हैं, prevent कर सकते हैं. प्रिवेंट मतलब उसको बचाना. देर शुड ऑल्सो बी लिमिटेशन ऑन द कटिंग ऑफ ट्रीज. हमें गुड फर्टाइल सॉइल को रिटेन करने के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, हमें हमारे ट्री कटिंग्स पे भी ध्यान देना चाहिए. हमें कम से कम पेड़ों को कट करना चाहिए. मोर ओवर, ओवर ग्रेजिंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड. ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ओवर ग्रेजिंग मतलब कि एक ही जगह को घड़ी घड़ी साफ करना. जैसे कोई ऐसी जगह होती है जहां पे जो भी हम कैटल्स को चराने के लिए लेके जाते हैं और कैटल्स वहां से खा लेती है. नॉर्मल जो उन्होंने खाया घास से जो भी है, वो चीज वो खाने के बाद वहां दूसरी उग जाती है. वहीं जो जगह पे पहले उगी थी, दूसरी उस जगह वापस उग जाती है. बट इट इज टेकिंग टाइम. बट घड़ी घड़ी एक ही जगह पे ग्रेजिंग करवाना
करवाने से क्या होता है, वहां की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, तो हमें ओवर ग्रेजिंग भी अवॉइड करना चाहिए। नाउ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज वेयर ट्रीज ग्रोस क्लोजली टुगेदर। फॉरेस्ट ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े ट्रीज नजदीक नजदीक में उगाए नहीं जाते, इट्स उग जाते हैं, वो खुद ब खुद उग जाते हैं, हम उसको उगाते नहीं है। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स। हमें ट्रीज की क्या जरूरत है, हमें ट्रीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीज लेके हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी हमें उतनी ही ज्यादा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और ना ही सिर्फ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो एनिमल्स, सारे एनिमल्स भी ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो दैट इज व्हाई ट्री शुड बी इनफ, हमें फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा कट नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन हमें देता है, फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विद द टिम्बर, टिम्बर मीन्स लकड़ी, फ्रूट्स एंड मेडिसिन, फ्रूट्स भी हमें देता है, फॉरेस्ट हमें क्या क्या देता है, टिम्बर देता है दैट इज लकड़ी, फ्रूट्स देता है, मेडिसिन देता है। They protect the soil from erosion as the roots of the trees hold on the soil. और ट्री हमें किस चीज में और फॉरेस्ट हमें किस चीज में हेल्प करता है, फॉरेस्ट हमें टिम्बर देता है, फ्रूट देता है, मेडिसिन देता है, इसके अलावा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। एंड सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो उसके रूट्स हैं उसने बहुत ही सॉइल को बहुत ही अच्छे से सॉइल को पकड़ के रखा होता है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का घर भी है। डीफॉरेस्ट्रेशन इज टू बी स्टॉप सो दैट अवर अर्थ डज नॉट बिकम अ डेजर्ट इन द फ्यूचर। हमें डीफॉरेस्ट्रेशन को स्टॉप कर देना चाहिए ताकि फ्यूचर में अर्थ एक डेजर्ट ना बन जाए। अच्छी फर्टाइल सॉइल ही नहीं होगी तो ना ही ट्री उगेंगे, ना ही प्लांट्स उगेंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, ट्री नहीं होंगे, फर्टाइल सॉइल नहीं होंगी तो खाने के लिए हमें क्रॉप भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर क्रॉप्स नहीं होंगे तो देयर विल बी स्कैर्सिटी फॉर फूड, स्कैर्सिटी मतलब अछत, कमी, तो हमें खाने की चीजें अवेलेबल ही ना हो, ऐसा हो सकता है। यस, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर हो सकता है। अ फ्यू स्टेप्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व मतलब बचाना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए नीचे थोड़े स्टेप्स दिए गए हैं। अब प्लांट अ ट्री और मोर फॉर एवरी ट्री फेल्ड, एक ट्री गिरता है या फिर हम काटते हैं तो उसकी जगह हमें नए ट्री उगाने चाहिए। गिव अवे योर ओल्ड बुक्स टू योर जूनियर्स एंड एनजीओज हु कैन गिव देम टू नीडी चिल्ड्रन। आपको अपने बुक्स आपके या तो आपके जूनियर्स, आपके जो भी क्लासमेट्स हो या फिर आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई हो उनको दे देने चाहिए, या फिर ऐसी कोई एनजीओ को दान कर देने चाहिए जिससे वो नीडी, जिनको जरूरत हो उनको डोनेट कर सके, उनको दे सके। क्यों? क्योंकि जो हमारी बुक्स हैं उसके जो पेजेस हैं वो ट्रीज से बनते हैं। सेल्ड और न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड कार्डबोर्ड टू द लोकल रिसाइकलिंग यूनिट्स। हमें हमारे पुराने न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड कार्डबोर्ड की जो भी चीजें हैं वो हमारे लोकल रिसाइकलिंग यूनिट्स मतलब कबाड़ी वाले को बेच देनी चाहिए। नाउ द सन, द सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन
अर्थ पे मिलने वाली प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी यूज करती है। ऑल लाइफ फॉर्म्स गेट्स गुड फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स और द सन। हमारे सारे लाइफ फॉर्म्स जो भी हैं, वो सारे आइदर फूड एनर्जी प्लांट से लेते हैं या फिर सन से लेते हैं। फॉर मेनी इयर्स नाउ सोलर एनर्जी हैज बीन ट्रैप्ड बाय द ह्यूमंस एंड इज यूज्ड टू रन कार्स, फैंस, हीट वाटर एंड कुक फूड। मतलब हम पिछले कई सालों से सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उससे कार, फैंस, हीट, पानी गर्म करना और खाना पकाने की जैसी चीजों से उसे यूज करते हैं। आगे एक चैप्टर आया था जिसमें हमने सोलर कुकर के बारे में पढ़ा था, राइट। सो दैट इज वन टाइप ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी, ठीक है। और अब इस टाइप के सोलर पैनल्स कई बार छत पे लगाए जाते हैं जिससे हमारे घर की पूरे घर की सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी चलती है। हमारा इवन एसी, फ्रिज, फैन, सारी चीजें सोलर एनर्जी से चलती है। तो अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं। नाउ डिड यू नो द सन इज 109 टाइम वाइडर देन द अर्थ। ओहो सर, सन अर्थ से 109 गुना ज्यादा बड़ा है एंड इज 333,000 टाइम्स हैवियर। अर्थ से वो 333,000 टाइम्स बड़ा है, वजन में हैवी है।